देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी के पैतृक गांव परोख में 22 तारीख का दौरा निश्चित हुआ था, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति की व्यस्तता के चलते दौरे को रद्द कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद 27 जून को राष्ट्रपति के दौरे को सुनिश्चित किया गया है, जिसको देखते हुए जिले का प्रशासन हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। जहां युद्ध स्तर पर गांव में सफाई अभियान व अन्य तैयारियां देखने को मिली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिले के जिलाधिकारी समेत जिले के अन्य कर्मचारी तैयारियों में जुटे हैं। राष्ट्रपति के आगमन पर जो उनके करीबी परिवार के लोग हैं, उनके चेहरे पर काफी उत्साह देखने को मिला है और अधिकारी व कर्मचारी लगातार उनके दौरे के आगमन पर तैयारियों में जुटे हैं। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 27 जून को करीब 11 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा आएंगे और सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद गाँव में ही बने पथरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद इंटर कॉलेज में सभा को संबोधित करने के बाद पोखरिया के लिए रवाना होंगे। यूपी उत्तराखंड न्यूज 24/7 के लिए कानपुर देहात से राहुल कुमार की रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं डेरापुर तहसील क्षेत्र के परोख गांव में, जो कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का पैतृक गांव है। यहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का 22 तारीख को दौरा था, लेकिन काफ़ी व्यस्तता के चलते दौरा को रद्द कर दिया गया था। लेकिन उनके बाद 27 तारीख को जो उनको आने का सुनिश्चित हुआ है, उसके बाद जिले का प्रशासन अलर्ट है। वो गांव में आने के बाद सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पार्क का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये पथरी देवी मंदिर पर जाकर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अपने करीबियों से मिलेंगे और करीबियों से मिलने के बाद सभा को संबोधित करेंगे। जो तैयारियां इस समय परोख गांव की हैं, वो युद्ध स्तर पर जोरों पर चल रही हैं और जिले का जो प्रशासन है वो काफ़ी अलर्ट दिखाई दे रहा है। हेलीपैड का जिले के जो अधिकारी हैं वो भी निरीक्षण कर रहे हैं। हेलीपैड जहाँ पर हेलीकॉप्टर उनका राष्ट्रपति जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा, वहाँ पर प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहा है। और जो सूत्रों से खबर मिली है, वहाँ पर जिला अधिकारी और जिले के जो अधिकारी हैं वो सभी लोग आकर निरीक्षण करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा यहां पर होना सुनिश्चित हुआ है। कानपुर देहात से राहुल कुमार।